कैथल का न्याय युद्ध शुरू हो चुका है। वो ताकतें जो कैथल की संस्कृति पर एक प्रश्न विराम लगाना चाहती हैं, कैथल की शांति को दोबारा से गुंडा युग में बदलना चाहती हैं, कैथल के विकास पर जो भाजपाई अवरोध 5 वर्ष में लगा है, कैथल के युवा जो आज रोजी रोटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं, कैथल का दलित और किसान जो एक नई आकांक्षा के लिए तत्पर और तैयार है, एक संपूर्ण बदलाव और परिवर्तन की लहर न केवल कैथल परंतु पूरे हरियाणा में बह रही है। लोग जोर जोर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। 75 पार का नारा देने वाली पार्टी को हरियाणा पार करवाने के लिए हरियाणा और कैथल की जनता तत्पर और तैयार है, बदलाव की बयार है। और आप ये पाएंगे कि जो लोग अहम और बहम के शिकार हैं, समेत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के, उनके अहंकार की प्रकाष्ठा जिसकी कोई सीमा बची नहीं, भाजपा के उस अहंकार को, भाजपा की उन दमनकारी नीतियों को एक निर्णायक तौर से 21 तारीख को हरियाणा और कैथल की जनता एक कठोर जवाब देगी और एक निर्णायक जवाब देगी। और हरियाणा में, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का विजय परचम समेत कैथल के एक बार फिर लहर आएगा। सर, बात कैथल की करें, विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ? 5 वर्ष से कैथल बदहाली का शिकार है। 5 वर्ष से जो कार्य हम छोड़कर गए थे, खट्टर सरकार ने उन पर पूर्ण विराम लगा दिया है। या तो भारतीय जनता पार्टी ने किले के आगे की जमीन पर एक तरह से कब्जा किया है, या फिर हमारे शुरू किए हुए कहे गए सब कामों पर अवरोध लगाया है। भाई उदय सिंह का किला वहीं पड़ा है, पार्किंग जो गीता भवन मंदिर के साथ बननी थी वो वहीं पड़ी है, संस्कृत विश्वविद्यालय का नामो निशान भी कहीं बचा नहीं क्योंकि कोई पत्थर लगा ही नहीं। जो सड़कें खोद दी गई, वो ITI से जींद रोड हो, वो चंदाना रोड से अनाज मंडी हो, वो आज भी वहीं की वहीं पड़ी हैं। चारों तरफ, यहाँ तक कि फ्यूज हुए बल्ब और सड़कों पर हुए खड्डे आज तक खट्टर सरकार नहीं बदलवा पाई। और ये कहानी बदहाली की केवल कैथल की नहीं, आज नल के अंदर पानी नहीं, सीवरेज नहीं, अगर कुछ है, खट्टर साहब ने कुछ दिया है तो भारी भरकम बिजली के बिल और बड़े बड़े मोटे चालान। किसान को फसल का न दाम दिया, न गरीब को मजदूरी दी। मंदी और तालाबंदी व्यापार और दुकानदार के लिए खट्टर सरकार की पहचान बन गए हैं। इस मंदी और तालाबंदी वाली सरकार पर तालाबंदी हरियाणा की जनता अब लगाएगी। देखिए, जीत का निर्णय कैथल और हरियाणा की जनता करेगी। वो लोग अहंकारी हैं जो जनता की वोट से पहले ही जीत का दम और अहंकार करते हैं। मैंने हमेशा 3 बार, 2 बार यहाँ से मैंने और 1 बार पिताजी ने चुनाव जीता, हर बार मैंने ये कहा विनम्रता से, हम कैथल की जनता के आगे शीश झुकाते हैं और ये कहते हैं केवल तरक्की को चुनिए, इसलिए रणदीप को चुनिए। काम बोलता है और काम को तोलिए। देखिए 2000 से 2005 कौन सा गुंडा राज इस शहर में था, और देखिए 2005 के बाद उस गुंडा राज का खात्मा किसने किया। 2000 से 2005 के बीच किस प्रकार से ये एक संकीर्ण सड़क का शहर था, और 2005 से 14 के बीच आपके इस भाई और साथी ने पूरा शहर और जिले का नक्शा बदला। अगर रणदीप ने कोई काम किया है, अगर रणदीप विकास और तरक्की का परिचायक बन गया है, तो मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर, अगर रणदीप इस शहर की शांति की निशानी है, अगर रणदीप से गुंडे भय खाते हैं, तो फिर रणदीप आप बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कैथल की जनता का आशीर्वाद और हरियाणा की जनता का कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगता है। अशोक तंवर ने आरोप लगाया है कांग्रेस ने 5 करोड़ में टिकट बेची। मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा, इसलिए बगैर उनसे बात किए कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जो केंद्रीय मंत्री है वो आए, तो कहां देखते हो आप, किस तरह से है कि ये तमाम नेता जो, क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उनको खुद पर आत्मविश्वास नहीं? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उन्हें अब भारी लोगों का समर्थन जुटाना पड़ रहा है?
क्योंकि ना स्थानीय नेता न स्थानीय मुद्दे उनके साथ है। आप कैथल से ही देख लीजिए, कभी आदरणीय रवि भूषण गर्ग जी को टिकट, फिर उनकी टिकट काटकर आदरणीय राव सुरेंद्र, फिर उनकी टिकट काटकर भाई लीला राम जी को। ये पार्टी है या आए दिन बदलती हुई वसीयत, जो हर रोज अपना नेता और अपना चेहरा बदल लेते हैं, वो कैथल का विकास क्या भला कर खाक पर कर पाएंगे? 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में किस तरह से क्या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? 2014 में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी, 2019 में पाला बदल गया है। हरियाणा की जनता ने बड़े प्यार से खट्टर साहब की सरकार को हरियाणा में बनाया, पर पता चला कि वो एक केवल झूठ और धोखा है, और इसलिए जनता ने ये मन बना लिया है कि इस सरकार को हरियाणा पार करने वाले हैं। हर चीज अब 75 पार है, प्याज 75 पार, टमाटर की लाली भी अब धीरे धीरे 75 पार हो रही है, पेट्रोल 75 पार, व्यापारी के लिए अब डॉलर भी लगभग 75 पार, दाल 75 पार, इसी प्रकार से चलता रहा तो इनको बहुत जल्द 21 तारीख को हरियाणा पार हरियाणा की जनता करवा देगी।